सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने वीडियो बनाया है दिवाली फेस्टिवल के ऊपर, जो दिवाली के फेस्टिवल के टाइम जो हम लैम्प्स लगाते हैं घर में, तो उसी के ऊपर बनाया है कि हाउ वी कैन मेक अ दिवाली लैम्प यूजिंग A4 साइज शीट्स, जो कि A4 साइज शीट्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी राइटिंग के लिए या जेरोक्स कॉपी के लिए। तो उसी से मैंने आज दिवाली लाइटिंग लैम्प्स बनाए। तो आप पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो मेरा यूज़र नेम है वो यहाँ पर आ रहा होगा। एंड ऑल्सो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो या एन्जॉय दिस वीडियो गाइस। सो द थिंग्स विच ऑल यू नीडेड टू मेक दिस लैम्प इज A4 साइज शीट, a ruler, a pen, scissor and a gum. So cut this paper into 4 pieces. तो अभी आप क्या करेंगे कि जो A4 साइज शीट से उनके 3 पार्टीशन बनाएंगे, जिसमें एक जो है 21 बाय जिसका लेंथ टोटली 21 है, और जो उसका थिकनेस है वो होगा 4 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड होगा उसका होगा 18 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर विथ सेम थिकनेस, जिसका थिकनेस होगा 4 सेंटीमीटर। आखिरी पार्ट जो कि है 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, जहाँ चारों साइड 15 हो गए और उसके बीच का आप बिल्कुल भी नहीं काटोगे। सो एट फर्स्ट अभी आप ऐसे फोल्ड करके लीजिए इसे, एंड को एंड इसे ग्लू से चिपका दीजिए। सो एज यू कैन सी अभी मैंने ग्लू चिपका दिया है। तो अभी इसी तरह इसे भी आप चिपका दीजिए ग्लू से। सो एज यू कैन सी अभी मैंने इसे ग्लू लगा दिया है, अभी मैं इसे भी चिपका दूंगा। तो अभी आपने जो 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बॉक्स है जिसे बीच में से नहीं काटा है, तो उसे आपको क्या करना है कि आपको उसे ऐसे प्लेस कर देना है, उसके बीच में आपको इस रूलर को रख देना है डायगोनली, और फिर यहाँ पर आपको 5.6 से एक पे डॉट मार्क करना है, और उसके बाद आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, और यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 4 सेंटीमीटर का। सो जैसे ऐसे, सो इससे क्या हो जाएगा जब आप ऐसे फोल्ड करोगे, सो यू विल गेट इट इन अ प्रॉपर वे, जैसे कि देख सकते हो आप ऐसे इसे प्रॉपरली फिट हो जाएगा। सो अभी इसे हम ग्लू लगाकर चिपका देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने ग्लू लगा दिया है यहाँ पर, तो अभी मैं इसे चिपका दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे चिपका दिया है इसे, तो जैसे कि आप देख सकते हो तो अभी ये रेडी हो चुका है। सो तो अभी हम इन्हें इस तीनों को बीच में हम इसे चिपका देते हैं, जैसे कि आप दिखा देता हूँ आप। तो जैसे आप जो ये पहला बड़ा वाला, तो इस छोटे वाले को यहाँ से बीच में से आप डाल दीजिए, और यहाँ पर इसे एग्जैक्टली बीच में चिपका दीजिए इस तरह, और फिर इसको इसके बीच में से यहाँ पर इसे चिपका दीजिए इस तरह। सो एज यू कैन सी, तो चलिए इसे चिपका देते हैं।
तो जैसे आप देख सकते हैं, अभी हमने पूरे पीसेस रेडी कर लिए हैं, तो अभी हम इसको एक एक करके चिपका देंगे और आपको दिखा देता हूँ कि ये चिपकने पर इसे हम कैसे एक लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे हम जोड़ते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जो इसके जो टॉप साइड है उस पर आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मार्क करके लेना है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ पर और यहाँ पर बोथ साइड पे आपको ऐसे करके आपको सभी जो 6 अपने लैंप्स के लिए बनाए हुए पार्ट से उनको उनके सभी के टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर 7 7 सेंटीमीटर्स आपको मार्क करके लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 7 7 सेंटीमीटर्स यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 मार्क करके लेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, फिर इनको इस तरह से उस 7 सेंटीमीटर से लेंथ जो आपने मार्किंग किया वहाँ से आपको इसे जोड़ देना है ग्लू से। तो आपको मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे सबको अभी पार्ट्स को जोड़ लिया, अभी मैं आखिर में इसको जोड़ दूंगा। तो आप देखिए मैं इसे जोड़ने के बाद, जैसे कि आपने अभी देख लिया है, अभी हमने इसे पूरे चारों 6 पार्ट्स को अभी हमने जोड़ लिया है। अभी क्या है कि इसे हमें सपोर्ट देना चाहिए जो कि ऊपर से, सो दैट इट शुड बी प्रॉपरली, सो ऐसे इसे प्रॉपरली होल्ड करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि हमने जो कार्डबोर्ड्स के जो पार्ट 2 सर्कल कट करके लिए थे, तो अभी हम इसे एज अ सपोर्टर टेम्पलेट यूज़ करेंगे। मैं अभी इसे ऐसे लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे इसे सपोर्ट जैसा काम करेगा। सो अभी इसे लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने इसे इस तरह से पूरे साइड में इसे वाइट पेपर चिपका दिया है, ताकि जब मैं इसे ग्लू लगाकर यहाँ पर इसे चिपका दूँ तो ऐसा सपोर्टर ये काम करे। अभी हम और एक लैंप बनाएंगे, तो जिसमें आप अभी देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो मैं आपको इसे समझा के बताता हूँ कैसे। तो आप A4 साइज शीट ले लीजिए, उस A4 साइज के लेंथ को 2 डिवीजन में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 1 एंड 2। अगर आप इसका जो लेंथ है उसका हाफ कर लीजिए और जो इसका लेंथ है उसका भी आप हाफ कर लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से आपको यहाँ एक डायगोनल लाइंस खींचना है ऐसे। सो एज यू कैन सी, उसी तरह इसे एक 4 लाइंस ड्रॉ करके इसे एक डायमंड शेप में आपको ड्रॉ करके लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सो यहाँ पर आपको 2.4, 5.3 एंड 8.3 आपको मार्क करके लेना है यहाँ पर। और सेम उसी तरह यहाँ पर आपको 2.4, 5.3 एंड 8.3 आपको मार्क करके लेना है। देन उसके बाद जो डायमंड शेप में आपने इसे लिया है उसे आप कट कर लीजिए। इसी तरह मैंने इसे 9 पेजेस पे करके लिया है, तो अभी मैं आपको कट करके दिखा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने ये सभी पीसेस कट करके इसे, तो इसे मैंने अभी एक डायमंड शेप में कट कर दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मार्किंग की थी उसे भी यहाँ से कट कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे जोड़ के। इसी तरह 8 पीसेस करके लिए हैं, तो अभी मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ इनको। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसे प्लेस कर दिया है कार्डबोर्ड सपोर्ट से।